अनुपमा शो आप सभी का फेवरेट शो है, स्टार प्लस पर जो आता है? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुपमा शो कौन से शो का एक रीमेक शो है? अब आप सोच रहे हो कि यार बॉलीवुड में फिल्में रीमेक्स हुई हैं, क्या टीवी पर आने वाले सीरियल्स भी रीमेक होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। अब वैसे मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिरकार अनुपमा शो किस सीरियल का रीमेक है। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जैसे सीरियल से जाने वाले राजन शाही का ये शो है अनुपमा। वेल, आपको बता दूं कि अनुपमा शो जो है इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट नंबर वन की पोजीशन पे चल रहा है टीआरपी के मामले में भी। लोगों को इसका स्टोरी, प्लॉट, हर चीज जो है वो काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अब ऐसे में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई टीवी सीरियल तो ठीक है, हमें पसंद भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रीमेक हो और किसका हो? तो चलिए इन सब चीजों का भी जवाब देती हूँ। आपको बता दूं कि ये शो सेम इसी कंटेंट के साथ में स्टार प्रभा पर एक शो आता है जिसका नाम है आई कुठे काय करते। पर आपको बता दूं कि ये शो भी रंजन शाही का ही है। इनफैक्ट ये उन्हीं का ही बनाया हुआ शो है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये मराठी शो का रीमेक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपको बता दूं कि भले ही ये शो, दोनों शो हिंदी और मराठी में रंजन शाही द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक सीरियल आता था बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था सोयमोजी। जी हाँ, ये इस सीरियल की कहानी है पूरी, और इसे अब हिंदी और मराठी लैंग्वेज में भी दिखाया जा रहा है। वह आपको बता दूं कि इस शो की कहानी जो है वो हो सकता है सभी से रिलेटेड हो, क्योंकि कहानी में एक हाउसवाइफ दिखाई गई है जिसकी लाइफ जो है वो अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, इन सभी को संभालने में निकल गई है, लेकिन उसके किसी काम को किसी ने भी कभी भी महत्वपूर्ण जो है वो नहीं बनाया है। इसी प्लॉट के साथ में इस कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वेल, आपको बता दूं कि अनुपमा सीरियल के अंदर जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, इनफैक्ट आपको बता दूं कि इस सीरियल में जब ये आया था आई कुठे काय करते, ये शो आया था 2019 में स्टार प्रभा पर, तो वही 2020 में अनुपमा शो लेकर आए गए। और आपको बता दूं कि दोनों की ही ओपनिंग बम्पर ओपनिंग हुई है। फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है दोनों ही शोज को। कहानी एक ही है, लेकिन स्टिल लैंग्वेज की वजह से भी आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज की वजह से भी लोग जो है वो देखना पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट कहानी जो है वो लोगों के दिलों तक छूती जा रही है। ऐसे में अब आप लोग मुझे सच में बताइए कि क्या आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जानते थे, हाँ या ना? दूसरा, अनुपमा शो आप लोगों को कितना पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।